सो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मनोज दे जैसे पेपर कट वाले पीएनजी को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि आप भी मनोज दे जैसे थंबनेल बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मनोज दे का दोस्तों वीडियो, यहाँ पर मैं चैनल पर आता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो पेपर कट वाला साइड में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप किस तरह से आप भी इस पेपर कट वाले पीएनजी को डाउनलोड कर सकते हैं और आप भी एक अच्छा खासा थंबनेल को बना सकते हैं। तो गाइज, इसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों। आप उसके थ्रू आप पीएनजी वाले फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको आना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है दोस्तों। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है इमेज सर्च। आपको इस तरह का एक एप्लीकेशन मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही कम MB क्या है, यानी कि बहुत ही छोटी सी MB की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको ओपन करना है यहाँ से इस एप्लीकेशन को। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है पेपर कट लिख करके। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा पेपर कट का एक पेज आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ से आप जो भी पेपर कट वाले ये को लेना चाहते हैं PNG को, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। देख, मान लीजिए कि मैं यहाँ से कोई भी एक वाइट कलर का, चलिए मैं यहाँ से इस वाले पेपर कट को मैं डाउनलोड करता हूँ यहाँ से, और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, लाइव दिखाऊंगा कि आप कैसे आप इस पेपर कट को पिक्सेल ऐप के द्वारा थंबनेल में ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से डाउनलोड करने के बाद मैं इसको बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर अपना पिक्सेल ऐप को ओपन करता हूँ। यहाँ पर ओपन करने के बाद मैं यहाँ से एक साइज, जो थंबनेल का साइज है, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब मुझे यहाँ से इसका कोई सा भी कलर चूज़ करना है, तो चलिए मैं इस तरह का येलो कलर को मैं चूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके जो आपने लिया था पेपर कट PNG को, आपको उसको यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको उसको सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं फटाक से उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए मेरा जो पेपर कट वाला पेज है, हम यहाँ से इसको ले लेते हैं। यहाँ से इसको लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आ जाएगा ये। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको आना है यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद साइड में इसको आपको मिल जाएगा इरस कलर का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद इसको इस तरह से क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो ब्लैक वाला है, आप उसको ब्लैक वाला को हटा सकते हैं और इस तरह से इसको अच्छे खासा आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से इसको सेट करके दिखा देता हूँ। मैं इस तरह से इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको दोबारा सा इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपका जो भी फ़ोटो है, आप वहाँ से आप ले लीजिए फ़ोटो को। चलिए मैं यहाँ से अपना फ़ोटो जो मैंने PNG बना रखा है, मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। और आप भी इसको बना सकते हैं दोस्तों बिल्कुल फ्री में। मनोज दे जैसा थंबनेल आप यहाँ से इसको बना सकते हैं और आप इस तरीके से करके दोस्तों आप अच्छा खासा थंबनेल को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, आशा करता हूँ, मैं तो पूरा थंबनेल अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए इसको PNG को इस पर लगा कर आपको दिखाया। तो चलिए, मैं ऐसा करता हूँ कि ये अगर वीडियो आपको पसंद लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।